स्वीटी और अर्जुन ने काफ़ी लंबी दोस्ती के बाद शादी की, पर कुछ ही दिनों में झगड़े होने शुरू हो गए, कभी काम को लेकर तो कभी रिमोट और सोशल मीडिया को लेकर। इन लोगों के पड़ोस में डॉक्टर नमिता रहती थी, जिनसे स्वीटी और अर्जुन के अच्छे संबंध थे। स्वीटी जब कभी तनाव में होती तो डॉक्टर नमिता के पास चली जाती। डॉक्टर नमिता नेचुरल साइंटिस्ट थी और काफ़ी दिनों से बर्ड्स पर स्टडी कर रही थी। स्वीटी जब नमिता से मिलने आई तो उनकी मेज पर पक्षियों के फ़ोटो बिखरे हुए थे। स्वीटी ने पिक्चर्स उठाकर देखने शुरू कर दिए और बोली, काश मैं भी पक्षी होती तो कितना अच्छा होता। नमिता ने कहा, क्यों, ह्यूमन बीइंग्स में क्या प्रॉब्लम हो गई। तभी अर्जुन भी आ गया। अर्जुन बोला, जब तक घर नहीं बसाते ह्यूमन बीइंग्स खुश रहते हैं और बर्ड्स हमेशा खुश रहते हैं। यह सुनकर डॉक्टर नमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ह्यूमंस भी खुश रहते हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। स्वीटी बोली, अरे वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कन्फ्लिक्ट्स, मैं तो बर्ड होती तो उड़कर दूर चली जाती, ये सारी झंझटें हैं। डॉक्टर नमिता ने कहा, बर्ड्स की लाइफ में भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो भी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हैं, उनके भी इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं, और वो भी घर बसाना, भोजन जुटाना, वंश वृद्धि करना, सभी कुछ करते हैं। तभी स्वीटी ने अर्जुन की तरफ देखकर बोला कि कोई बंधन तो ना होगा। डॉक्टर नमिता बोली, अभी मैं हॉर्नबिल की स्टडी कर रही थी, उन्हीं की पिक्चर्स देख रही थी, तुम आओ मैं तुम्हें इनकी लाइफ के बारे में बताती हूँ। स्वीटी ने फोटो उठाकर कहा, ये हॉर्नबिल है। डॉक्टर नमिता ने कहा, हाँ ये हॉर्नबिल है, इसके चोंच के ऊपर उठे हुए सींग की वजह से इसे हॉर्नबिल कहते हैं। अर्जुन बोला, इसे मैंने तो बहुत देखा है गांव में, इसे धनेश, धनेश्री आदि नामों से बुलाते हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर नमिता ने कहा, हाँ ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर करीब करीब सभी जगह पाया जाता है अपने देश में, इनकी कई सारी स्पीशीज हैं, जैसे ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन हॉर्नबिल, मालाबार हॉर्नबिल वगैरह वगैरह। ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो यह ग्रे हॉर्नबिल का है, हम लोग अभी इनकी स्टडी कर रहे हैं, यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ साइट पर चल सकते हो। अब हर संडे सभी लोग एक फार्म हाउस में, जो कि डॉक्टर नमिता का रिसर्च फील्ड था, जाने लगे। गर्मी का समय था किंतु बहुत सारे बरगद, पीपल, गुलर इत्यादि बड़े बड़े पेड़ होने के कारण वहाँ के वातावरण में ठंडक थी। सभी लोग बैठे चाय का आनंद ले रहे थे, तभी एक ग्रे हॉर्नबिल उड़ता हुआ आकर डाल पर बैठ गया। नमिता ने कहा, देखो ये है ग्रे हॉर्नबिल। स्वीटी बोली, वाओ सो बिग। तभी एक और ग्रे हॉर्नबिल आकर उसके बगल में बैठ गया। डॉक्टर नमिता ने कहा, ये फीमेल है, देखो पक्षी भी अकेले नहीं रहते हैं, जोड़ों में ही रहते हैं। स्वीटी ने पूछा, आपने कैसे जान लिया कि यह फीमेल है। डॉक्टर नमिता बोली, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अर्थात नर और मादा के रंग रूप में भिन्नता पाई जाती है, जैसे नर का आकार मादा से बड़ा होता है, नर की चोंच काली तथा मादा की पीली होती है, चोंच के ऊपर का उभरा हुआ भाग नर में मादा की अपेक्षा बड़ा होता है, मादा के आँख के चारों तरफ पीली रिंग पाई जाती है, चोंच के ऊपर का सींग नर में मादा की अपेक्षा बड़ा होता है। देखो पहले मेल हॉर्नबिल आया था, यहाँ भी मेल ही लीडर होता है, अर्जुन बोला। डॉक्टर नमिता ने जवाब दिया, ऐसा नहीं कह सकते, इनका आगे या पीछे उड़ना इनके कार्म के ऊपर भी निर्भर करता है, अभी इनकी कोर्टशिप पीरियड है और नर अपनी मादा के पसंद का घोंसला ढूंढ रहा है और शायद वह मादा को घोंसले की तरफ लीड कर रहा होगा। तभी हॉर्नबिल के जोड़ों ने बोलना शुरू कर दिया, उनकी तीखी आवाज़ दूर तक सुनाई देने लगी। डॉक्टर नमिता ने अर्जुन और स्वीटी को बताया कि कोर्टशिप के टाइम में मेल हॉर्नबिल फीमेल हॉर्नबिल के लिए तरह तरह के गिफ्ट्स लाता है और दोनों एक दूसरे के साथ गेम्स भी खेलते हैं। कभी कभी ये एक छोटा सा फल लेकर कैच कैच का गेम खेलते देखे गए हैं।
वाओ, अर्जुन बोला। स्वीटी ने बोला, और ये हॉर्नबिल फीमेल को गिफ्ट्स क्या देता है? नमिता ने बताया, ये उसे उनकी पसंद की चीज़ें जैसे तरह तरह के फ्रूट्स और नॉनवेज भी, जैसे गार्डन लिजर्ड, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सीप इत्यादि। स्वीटी ने अर्जुन की ओर देखा और बोली, देखो मेल हॉर्नबिल फीमेल की कितनी केयर करता है। कुछ दिन गुजर गए। अब हॉर्नबिल ने घोंसला बनाने के लिए पेड़ सिलेक्ट कर लिया था। सामान्यतः हॉर्नबिल हर साल उसी पेड़ पर घोंसला बनाते हैं जिसमें पहले बनाया होता है। तभी खटखट की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। तो मैडम हॉर्नबिल ने यह पेड़ पसंद किया है घोंसले के लिए, स्वीटी बोली। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब? डॉक्टर नमिता ने हंसकर जवाब दिया, होममेकर तो मादा ही होती है ना। अब यह इस घोंसले को अपने और बच्चों के अनुरूप बनाएगी, क्योंकि इसे इसमें काफ़ी समय गुजारना है। घोंसले का आकार अनुकूल करने के बाद मादा इसमें प्रवेश कर जाएगी। एक दिन मादा हॉर्नबिल उस घोंसले के अंदर घुस गई और नर उसे मिट्टी के छोटे छोटे ढेले चोंच में दबाकर देता रहा, और मादा ने उस मिट्टी का प्रयोग कर अपने घोंसले के द्वार को लगभग पूरा बंद कर लिया। अब सिर्फ एक छोटी सी दरार बाकी थी जिससे नर हॉर्नबिल अपनी मादा को खाने का सामान पहुंचा रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रजनन काल में पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की विशेष आवश्यकता होती है, अतः नर फलों के साथ साथ अपनी मादा को छिपकली, कीड़े मकोड़े आदि काफ़ी मात्रा में पहुंचा रहा था। तकरीबन 3 माह तक मादा अपने घोंसले में बंद रही। इस दौरान नर ने घोंसले के सुराख से उसको खाना पहुंचाने के अतिरिक्त सफाई का भी ध्यान रखा। वह घोंसले के सुराख में लकड़ी के टुकड़े देता था जिसका प्रयोग कर मादा अपना मल उत्सर्जन करती थी, और उस गंदी लकड़ी के टुकड़े को घोंसले से बाहर निकाल दिया जाता था। यह बात तो बेहद आश्चर्यजनक है। डॉक्टर नमिता ने जब यह सब अर्जुन और स्वीटी को बताया तो उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। स्वीटी ने कहा, हाँ घोंसला तो साफ होना ही चाहिए क्योंकि उसमें बच्चों को भी आना है। अब एक दिन मादा ने अपने घोंसले के बंद किए हुए भाग को चोंच के द्वारा तोड़ना शुरू कर दिया और वह मादा हॉर्नबिल घोंसले से बाहर आ गई। वह बेहद कमज़ोर लग रही थी, उसके पंख झड़े हुए थे। यह देखकर अर्जुन और स्वीटी चिंतित हो गए, अरे यह तो बेहद कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर नमिता ने कहा, हाँ ये घोंसले के अंदर अपने पंखों को गिरा देती है, शायद ये पंख उसके बच्चों के लिए कुशन का कार्य करते होंगे। अर्जुन ने डॉक्टर नमिता से पूछा, अरे यह मादा हॉर्नबिल अकेले बाहर आ गई है, इसके बच्चे कहाँ हैं? डॉक्टर नमिता ने कहा, बच्चों के लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, बच्चे अभी घोंसले में हैं। अब हॉर्नबिल ने फिर से घोंसले का द्वार बंद करना शुरू कर दिया। हॉर्नबिल के घोंसले का द्वार फिर से बंद हो गया था। एक छोटा सा सुराख बचा हुआ था जिसमें बच्चों को भोजन पहुंचाया जा रहा था। करीब 1 माह और गुजरे और अंदर से घोंसले की दीवार टूटती हुई दिखाई पड़ी और 3 छोटे छोटे चूजे घोंसले के बाहर आ गए। उन्हें देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। स्वीटी को अब नर हॉर्नबिल की चिंता है। उसने कहा कि इतने दिन तक यह मेल हॉर्नबिल कहाँ रहता था? मेल हॉर्नबिल ये यही पास के पेड़ में रहता है और पूरे समय ये खुद ही नहीं अपने अवयस्क बच्चों को भी अपने साथ रखता है, और मादा भी घोंसले से आने पर उसी पेड़ पर रहना शुरू कर देती है। कितनी एडवांस्ड है इनकी लाइफ, अर्जुन बोला। स्वीटी ने जवाब दिया, तुमने देखा नर ने कैसे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई।
अर्जुन ने हंसकर कहा, और फीमेल हॉर्नबिल का कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग तुमने नहीं देखी? तभी डॉक्टर नमिता ने उन्हें बताया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनके रहने का स्थान कम होता जा रहा है, यह एक चिंता का विषय है। अब अर्जुन और स्वीटी को पक्षियों में विशेष रुचि हो गई है। उन्होंने अपने घर को हरा भरा बनाया और अपने घर में बर्ड हाउस और बर्ड फीडर भी लगाया है। उनके घर में अब बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं, वे उनकी एक्टिविटीज़ देखकर बेहद खुश होते हैं। अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी पसंद की कहानियाँ सुनने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर सजेस्ट करें। थैंक यू।